काफ़ी टाइम लगा है ऑनेस्टली, टोटल 8 महीने हो गए जब से मैंने शो साइन किया था और तब जब से हम लोग ऑन एयर आए हैं, तो काफ़ी मेहनत की है उसके लिए। फिजिकली अपने आप को चेंज करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज एक वॉरियर फिजिक नीडेड थी। लुक सबसे पहले अलेक्जेंडर का लुक आना बहुत ज़रूरी था, उसके बाद जाकर आप कैरेक्टर पे और काम कर सकते हैं। सो मैंने बाल का कलर अपना चेंज किया, मुझे ऑप्शन था कि मैं विग पहनूं, लेकिन विग पहनने के साथ ये होता था कि जब विग उतारता हूं मैं और जब घर जाता था तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैं उस कैरेक्टर से डिटैच हो रहा हूं। तो अब जब मैं शूट करके घर भी जाता हूं तो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर में आप रहते हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैंने यही सोचा था कि जब शो स्टार्ट होगा और जब तक ख़त्म होगा तब तक मैं उस कैरेक्टर को जीना चाहता हूँ अच्छे से, वो हमेशा अलेक्जेंडर के कैरेक्टर में रहना चाहता हूँ। तो पुराना लुक तो मुझे अभी भूल ही गया हूँ, मैं जब अपने पुराने पिक्चर्स देखता हूँ तो पहचान में ही नहीं आता कि वो मैं ही था। सो अच्छी फीलिंग है, डिफरेंट कैरेक्टर के साथ डिफरेंट लुक हो तो अच्छा लगता है, एंड आई एम कम्फर्टेबल विद दिस हेयर नाउ। अब मुझे लगता है कि जब ये रीपेंट करना होगा मुझे वापस से ब्लैक, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मैं बहुत यूज टू हो गया उसके लिए। तो मुश्किल था लेकिन अभी सब चीज़ें अंडर कंट्रोल है। देखिए मेरे लिए वो इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि अगर सिर्फ ऐसा होता कि हम लोग अलेक्जेंडर को वहाँ से दिखाते जहाँ से वो इंडिया पे अटैक कर रहा है तो शायद थोड़ा सा नेगेटिव होना बहुत वो इजी हो जाता, लेकिन क्योंकि अलेक्जेंडर की पूरी जर्नी दिखा रहे हैं, कैसे वो बड़ा हुआ है, किस सोच के साथ बड़ा हुआ है, क्या उसकी कंडीशनिंग हुई है, तो जब लोगों को ये पता चलता है कि एक छोटा सा बच्चा जिसको उसकी जो मॉम है वो बचपन से ही बता रही है कि तुम भगवान की औलाद हो, तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो, भगवान के बेटे हो, जीसस के बेटे हो, तो फिर शायद लोग कनेक्ट करते हैं उसके साथ में कि उसको हम उन्होंने अलेक्जेंडर को वो लोग छोटा सा देखेंगे और छोटे से बड़े होते देखेंगे, तो फिर आप जर्नी में इंक्लूड हो जाते हो, फिर आपको पता चलता है कि ये बंदा अपना अलग गोल लेकर चल रहा है। और क्योंकि कहानी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पोरस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो डेफिनेटली लोगों को एंटी लगेगा पोरस हो, बट जब आप पूरा शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अलेक्जेंडर अपनी एक जर्नी पर है और वो नेगेटिव नहीं है, वो अपने पाथ जब अपनी जर्नी पर चल रहा है तो फिर जो भी उसके सामने आएगा वो उसका दुश्मन तो ज़रूर होगा। तो इस शो की खास बात यही है कि, और ये शो करने का भी सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उसकी जर्नी पूरी दिखा रहे हैं छोटे से लेकर जब तक वो बड़ा होता है, तो उतना लोगों के लिए वो नहीं होगा कि उसको बिल्कुल नेगेटिव लें या जो भी लें। बट अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर है, अपना उसका खुद का कैरेक्टर है जो कि लोगों को, बहुत लोगों को पता भी है और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को अब पता चलेगा, तो जो भी परसेप्शंस बने हुए हैं अलेक्जेंडर के बारे में वो भी शायद क्लियर हो जाएंगे और उसी के लिए शायद ये शो बनाया है। मैं जैसा कि मेरी फैमिली है वो बॉम्बे में नहीं रहती है, जयपुर रहती है, लेकिन जब मैंने सबसे पहली बार अपने बाल कलर किए थे तो मुझे यही डर था कि मैं घर जाऊँगा तो शायद घर में घुसने नहीं देंगे, तो मैंने ग्रेजुअली इसको लाइट करना स्टार्ट किया। जब मैं पहली बार जब घर पे आया कलर करके तो मैंने कुछ थोड़ा डार्कर शेड रखा था, दैन जब वो लोग चले गए तो धीरे 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 करके मैंने और लुक को लाइट करते गए और उसी वजह से शायद धीरे धीरे मैं खुद भी एडजस्ट कर पाया लुक के साथ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था कि मैं जस्टिफाई कर पाऊँगा या नहीं, तो फिर बहुत मेहनत हुई लुक के ऊपर और जब आप फिर पूरे एक सेटअप में जम जाते हैं दैन वो सब चीज़ें ईजी हो जाती हैं। अलेक्जेंडर का मैसेज ये होगा कि अलेक्जेंडर के बारे में आपने बहुत सुना है, सिकंदर के बारे में बहुत सुना है, मैंने भी बहुत सुना था, लेकिन जितनी रिसर्च हमने इसके ऊपर की है और जिस तरह से हम अलेक्जेंडर को भी प्रेजेंट कर रहे हैं तो बहुत खुश हूँ और लोगों के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग को बहुत ही एक्साइटिंग एक जर्नी सिकंदर की, जो सब लोगों ने सुना था लेकिन उतना लोग जानते नहीं थे, वो देखने को मिलने वाला है, एंड आई होप दैट यू लव इट। हाय, दिस इज़ रोहित पुरोहित एंड यू वॉचिंग मी ऑन इंडियन विकी मीडिया।